नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था। उन्होंने ये कहा था कि सर, मेरे पास एक मॉड्यूल कार्ड है और मैं वहाँ पर दो बोर्ड को चलाना चाहता हूँ, तो मैं इसके कनेक्शन कैसे करूँ, यहाँ पर इसके जो ऑडियो आउटपुट है उसके अंदर जम्फर लगाऊँ या उसके अंदर कोई कंपोनेंट ऐसा लगाऊँ जिससे कि मेरी ऑडियो जो है वहाँ पर शॉर्ट ना हो और मेरे जो दोनों बोर्ड हैं वो बढ़िया काम करें। तो देखिए, हमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कनेक्टर मिलता है ऑडियो का, तो यहाँ पर जो है हमारी लेफ़्ट ऑडियो होती है, ग्राउंड होता है और राइट ऑडियो होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ तीन ही वायर होती है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि एक हमारा इधर बोर्ड लगा हुआ है, एक हमारा यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। अब यहाँ पर भी लेफ़्ट, ग्राउंड और राइट, और यहाँ पर भी लेफ़्ट है, राइट है और ग्राउंड है, यानी कि यहाँ ग्राउंड है और यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब जैसे कि यहाँ पर देखिए लेफ़्ट और राइट है, लेकिन यहाँ पर तो दो बोर्ड हो गए। अब इनकी हम वायरिंग ऐसे कैसे करेंगे जो दोनों आपस में मैच भी ना हो और दोनों बोर्ड वर्क भी करें और दोनों ऑडियो हमारी शॉर्टिंग भी ना दिखाए। तो यहाँ पर देखिए, आप कनेक्शन जो हैं, देखिए यहाँ से ले सब भाई, यहाँ से देखिए कनेक्शन लेते हैं आउटपुट के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ANT लिखा हुआ है, तो ये तो एंटीना हो गया हमारा FM का, इसे हम छोड़ देंगे। और यहाँ पर जो तीन पिने हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है LO और AG और यहाँ पर लिखा हुआ है RO, यानी कि यहाँ पर ये जो राइट वाली ऑडियो है, ये लेफ़्ट वाली ऑडियो है और ये ऑडियो ग्राउंड है, यानी कि लेफ़्ट आउटपुट, राइट आउटपुट और ऑडियो ग्राउंड। तो यहाँ से तीन ही वायर हैं, लेकिन तीन को हमें छः वायर बनानी है। अब हम छः वायर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 104, तो हम PF लेंगे। ये देखिए 104 PF, और यहाँ पर दो हम लेंगे 1 के रेजिस्टेंस, ये हमारी 1 के रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए इनको एक एक पिनों को इस तरीके से यहाँ पर मोड़ देंगे, यानी कि शॉर्टिंग कर देंगे यहाँ पर। ये देखिए, ये शॉर्टिंग हो गया और यहाँ पर अब हम इसे भी शॉर्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये दोनों शॉर्टिंग हो गया। और शॉर्टिंग होने के बाद अब यहाँ पर हम कर देंगे सोल्डिंग, जिससे कि इसके अंदर ये जो अलग ना हो। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखिए पेस्ट लगा के और सोल्डिंग कर देते हैं इसे, क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो है बहुत भाई के मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर, हम जो हैं दो बोर्ड चलाना चाहते हैं एक ही मॉड्यूल कार्ड से, और उसके अंदर जो है हम ऐसा वायरिंग करना चाहते हैं कि जो हमारा बोर्ड है उसके अंदर ऑडियो की क्वालिटी भी सही रहे और हमारा बोर्ड जो है वो बढ़िया से वर्क करे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से देखिए, हमने इनको दोनों को शॉर्ट कर दिया है। ये देखिए, तो आप देखिए इसके अंदर यहाँ पर जो हमारी राइट और जो लेफ़्ट है वहाँ पर हम कर देंगे इसको सोल्डिंग हम करेंगे वहाँ से रजिस्टेंस की तरफ से, जहाँ पर हमने रजिस्टेंस को सोल्डिंग करा है। अभी सोल्डिंग करके मैं आपको इसको थोड़ा पास से भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हम कुछ इस तरीके से इन्हें सोल्डिंग कर देंगे। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है वो हो गए 1 2 3 4 पॉइंट हो गए, यानी कि हमारी जहाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट हो गए और ग्राउंडिंग जो है हमारा बीच वाला हो गया। अब देखिए यहाँ की जो वायरिंग है वो किस तरीके से निकलेगी, वो मैं वायरिंग भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर दो बोर्ड को चलाना है। ये देखिए, यहाँ पर जो ग्राउंडिंग है वो तो हम बीच के अंदर ही लगा देंगे, जो हमारी ग्राउंडिंग होती है। और यहाँ पर देखिए, एक हमारी ये लेफ़्ट वायरिंग, राइट वायरिंग हो गई। तो ये राइट हो गई हमारी और ये वाली हो गई हमारी लेफ़्ट। ये देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ पर वायरिंग है। तो देखिए, एक चैनल तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको दूसरे चैनल को भी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो दूसरा चैनल भी हम कुछ इस तरीके से ही करेंगे, ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग पे लगा देंगे।
और एक वायर हमारा आ जाएगा रेजिस्टेंस पे यहाँ पर लेफ्ट वाली ऑडियो पे, और एक आ जाएगा राइट वाली ऑडियो पे। तो यहाँ पर देखिए, अब हमारे दो इनपुट, एक इनपुट से हमने दो इनपुट बना लिए, देखिए इस तरीके से। ये देखिए ग्राउंड हमने दोनों के एक ही जगह कर दिए हैं, और एक देखिए लेफ्ट राइट रेजिस्टेंस से हो गई है, एक लेफ्ट राइट जो है ऑडियो इससे पीएफ से हो गई है 104 से। अब देखिए यहाँ पर जो है, मैं आपको देखिए मल्टीमीटर से भी चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए हमारा मल्टीमीटर बीप की रेंज में है। ये देखिए अब इसके अंदर देखिए रेजिस्टेंस और पीएफ, इनके अंदर कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा। ये देखिए जबकि ये एक ही ऑडियो पे लगे हुए हैं, लेकिन शॉर्टिंग कुछ भी नहीं आएगी इसके अंदर, यानी कि ऑडियो हमारी प्रॉपर काम करेगी लेकिन शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा। तो देखिए मैं पास से आपको दिखा देता हूँ एक बार, जिस तरीके की आप भी इसकी वायरिंग बिल्कुल ध्यान से देख लें। तो देखिए ये एक ऑडियो हो गई, एक ऑडियो ये हो गई। ये देखिए तो एक ऑडियो को हमने पीएफ से कर दिया है, और दो ऑडियो को हमने देखिए यहाँ पर कर दिया है रेजिस्टेंस से, और ग्राउंडिंग हमारी बीच के अंदर जैसी थी वैसी लग गई है। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पर देखिए कुछ कार्ड के अंदर जो है इस तरीके से लिखा हुआ होता है, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है इसके अंदर आउटपुट। ये देखिए लेफ्ट और राइट और ग्राउंड इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है, और इस वाले मॉड्यूल के अंदर देखिए यहाँ पर है, देखिए एल लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है और ग्राउंड लिखा हुआ है। तो अब देखिए अब चलते हैं दोस्तों इसकी टेस्टिंग की तरफ। अब ये जो इसकी चार की चार ऑडियो है, मैं टेस्टिंग करता हूँ कि किस तरीके से काम कर रही है। तो दोस्तों देखिए मैंने इसकी वायरिंग को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने ग्राउंडिंग है वो तो मैंने पहले ही लगा दी है। अब यहाँ पर देखिए ऑडियो जो है वो हमारे पास, देखिए ये भी ग्राउंडिंग है, ये मैंने तो अंदर से ही पहले से ही शॉर्टिंग है वहाँ पर। अब देखिए इसमें चार ऑडियो है, अब देखिए मैं चारों ऑडियो को चेक कराता हूँ। तो देखिए पहली ऑडियो, तो आपने देखा ये पहली ऑडियो, ये दूसरी ऑडियो और ये तीसरी ऑडियो और ये चौथी ऑडियो। तो आपने देखा ऑडियो में कुछ भी फ़र्क नहीं है, ऑडियो वैसे ही काम कर रही है जैसे इसको काम करना चाहिए। और देखा कितने ही आसान तरीके से हमने जो है एक मॉड्यूल से दो आउटपुट को निकाल लिया है। और इस आउटपुट को दोस्तों अगर आप मल्टीमीटर से चेक भी करोगे तो शॉर्टिंग भी नहीं दिखाएगा, एकदम बढ़िया तरीके से वर्क करेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।